सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। मैं नीतू राघव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो या कोई इंश्योरेंस पेपर हो, यदि आपके उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स पूछा जाता है, तो आप सभी को पता है कि मैथ्स में क्वेश्चंस आते हुए भी आपसे छूट जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। समय की अवधि होती है हर एग्जाम में, तो जिसकी वजह से मैथ्स में क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी स्लो हो, आप अभी भी उन ओल्ड मेथड का यूज करते हो, अभी भी उन स्कूल वाले मेथड का यूज करते हो दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, किसी चीज का रूट निकालने में या किसी चीज का क्यूब निकालने में। सो गाइस, मैं लेके आई हूं आपके लिए मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के ऐसे कुछ ट्रिक्स जो आपको कहीं ना कहीं हर पेपर में हेल्प करेगी, चाहे आप वो किसी का भी पेपर हो जिसमें पॉइंट पूछा जाता है और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, या आपको कोई मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, छोटे से छोटा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये जो ट्रिक्स है वो हेल्प करेगी। क्योंकि मुझे पता है कई स्टूडेंट्स, कई कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बहुत बिगनर्स अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मैं बता दूँ, मैंने भी पेपर दिए हैं और मैंने भी चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व किया है। अभी एसबीआई क्लर्क का प्री भी अगर आप देने वाले हो या कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो यदि आपकी स्पीड नहीं है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस को कम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन का लेवल जो है अब बढ़ता जा रहा है। अब जो जिसको सब कुछ आता है उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है क्योंकि स्पीड की वजह से। और आपको कई बार कहा भी जाता होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। क्यों कहा जाता है? ताकि आपकी स्पीड बन जाए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन में। मैं आपके साथ मल्टीप्लीकेशन की कुछ ट्रिक्स को बताऊंगी, गुणा करने की कुछ ट्रिक्स को बताऊंगी कि किस तरीके से आप दो डिजिट को आपस में गुणा कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, तीन डिजिट को आपस में गुणा कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, चार डिजिट को किस तरीके से कर सकते हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई करने की कुछ ट्रिक्स होती है। मैं चाहती हूँ मैं आपको सिखाऊं, मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखा 9 × 8। तो गाइस आपका आंसर इजीली आ जाएगा, मैम 9 × 8 जो होता है वो 72 होता है। सेकंड्स में आपने इसका आंसर को फाइंड आउट कर लिया। यदि मैं आपको इसकी जगह दे दूं 998 × 999, तो क्या आपका आंसर जो है वो विदिन 5 सेकेंड्स, विदिन 10 सेकेंड्स आ जाएगा? आपका जवाब होगा नो मैम। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, बट जिसको नहीं आता है उसके लिए तो ये एक रामबाण साबित होने वाली ट्रिक्स है। तो चलिए, जैसे ही मैंने इसको कहा ये आप ये कीजिए 5 मिनट में 5 सेकेंड में कीजिए ये, चलिए तो आप 5 मिनट में दे दूंगी तो आप ये इजिली कर लेंगे, बट 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स में आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको उस क्वेश्चन को करने में भी हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपको जैसे 9 × 8 दिया गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक बेस कंसीडर करूंगी। मैं मानूंगी कि यहाँ पर आपको दिखने वाली जो डिजिट है, यहाँ पर आपको जो डिजिट दिखाई दे रही है वो आपके एक नंबर की है, तो मैंने इसके लिए 10 बेस को कंसीडर कर लिया। क्लियर है? अब आपका पहला काम क्या होगा, आपका पहला काम ये होगा कि आप क्या कीजिए, इस पहली वाली डिजिट में से इस बेस को माइनस कीजिए। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो पहली वाली डिजिट है उसमें से मैं बेस को माइनस करूँगी। जैसे ही मैंने पहली वाली डिजिट में से इस बेस को माइनस किया, तो आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगी, सेकेंड वाली डिजिट 8 में से मैं क्या करूँगी, इस बेस को माइनस करूँगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 लिखा और माइनस का 10 लिखा और इक्वल्स टू क्या कर दिया, माइनस का 2 लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने माइनस के 1 को यहाँ लिख दिया, इसके जो डिफरेंस आया था और 8 का जो 10 से डिफरेंस आया था, माइनस के 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची और मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलिए अब आपका पहला सवाल ये होगा कि मैम यहाँ क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सम लिखना है, सम ऑफ डिजिट्स। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर कौन सी डिजिट्स का सम लिखना है, तो गाइस ध्यान से देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर या तो इन दोनों का योगफल ले सकते हैं,
या तो आप विकर्ण में डायगोनल शेप में, या तो आप इन दोनों का ले सकते हैं और या आप इन दोनों का ले सकते हैं। आपका हमेशा ये दोनों जो समान आएंगे, हमेशा क्या होंगे, सेम आएंगे। देखिए कैसे सेम आएंगे, जब मैं 9 का योगफल लेती हूँ प्लस यहाँ पे माइनस 2 लिखती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 7 आ जाता है, क्योंकि प्लस माइनस जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। जब मैं 8 और 1 का योग करती हूँ, 8 प्लस माइनस 1 लिखती हूँ, तो भी मेरे पास 7 आ जाता है। यहाँ तक भी क्लियर होगा, क्योंकि क्या हो जाता है, ये प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए, मैंने चाहे इस वाले विकर्ण वाले शेप का योगफल लिया या फिर मैं इस वाले का ले लूँ, दोनों का हमेशा हर क्वेश्चन में ये जो योगफल होगा वो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक 7 को यहाँ पर लिख लिया, क्लियर हो गया। चलिए अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे ये जो आपने डिफरेंस निकाला है, इस डिफरेंस को आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके और आपको यहाँ पर लिखना होता है। जब मैंने क्या किया, माइनस के 1 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 2 से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 2 1 2 होके आपको 2 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको आंसर 72 मिल गया। अब आपका क्वेश्चन ये हुआ कि क्या मैम इसमें आपको कुछ याद रखना है, आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके जो बेस में जीरो जितनी होगी, बेस में आपकी जितनी जीरो होगी, आपके राइट हैंड का जो कॉलम होगा उसमें उतनी ही डिजिट आनी चाहिए। आपने इस क्वेश्चन को देखा, इसमें देखा आपने कि मैंने बेस 10 लिया था, 10 में आपको एक जीरो मिल रही है, 10 में एक जीरो होने की वजह से, 10 में क्या है आपके, एक जीरो है, तो जीरो एक होने की वजह से राइट में भी एक ही डिजिट आनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है और आपको 72 आंसर मिल गया। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब कुछ बड़ा डिजिट लेके इस ट्रिक को मैं आपको सिखाती हूं। चलिए मैंने लिखा यहां पर 99 × 98, ठीक है, 99 × 98 किया। मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मेरा सबसे पहला काम होगा बेस को मानना। आपने देखा ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए मैं बेस क्या मानूंगी, तो मैंने बेस कंसीडर कर लिया 100, बेस को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। क्लियर है, मैंने बेस को क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इन डिजिट में से बेस को मुझे घटाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि 99 में से जब आप 100 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। तो मैंने माइनस का 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, सेकंड डिजिट 98 में से भी माइनस करूंगी, 100 को जो बेस माना है मैंने उसको, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 2 मिल जाएगा। मैंने माइनस के 2 को यहाँ पर लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने क्या किया, ये लाइन खींची और ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। मैंने आपको बताया था आपको इधर की साइड क्या लिखना है, आप या तो चाहे इसका योगफल ले लीजिए या चाहे आप इसका योगफल ले लीजिए, हमेशा दोनों का इक्वल आएगा। मैंने देखा 98 जो है मैं प्लस करती हूँ माइनस का 1 करती हूँ, तो ये प्लस माइनस की वजह से 98 − 1 आपको 97 मिल जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, यहाँ पर 99 और प्लस माइनस 2 लिखा, तो यहाँ पर भी आपको 97 मिल जाएगा। इट मीन्स आपने देखा कि दोनों का जो योगफल है वो आपको बराबर आया, तो इस 97 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो चुका। फिर मैंने बताया था आपको यहाँ पर आपको क्या लिखना, आपको जो डिफरेंस आया है उन डिफरेंस को आपको गुणा करके, उन डिफरेंस को आपको मल्टीप्लिकेशन करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने क्या किया, माइनस के 1 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स माइनस माइनस से प्लस हो गया और आपको यहाँ पर मिल गया 2, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि बेस में कितनी जीरो है, यहाँ पर बेस में आपकी 2 जीरो दी गई है, और जब बेस में 2 जीरो दी गई है तो यहाँ पर भी राइट हैंड में 2 डिजिट आनी चाहिए। तो एक ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए मैं इसके आगे 0 लगा दूंगी। तो इस तरीके से आपने 99 × 98 आपने ईजिली फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अभी आपको थोड़ा सा अगर समझने में समय लग रहा है तो हम प्रैक्टिस करते हैं 1-2 क्वेश्चंस की, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 97 × 96 ले लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं।
97, 96 मल्टीप्लाई आपको दिया गया है और मैंने इसको देखा, मैंने सबसे पहले इसका बेस कंसीडर कर लिया, मैंने इसका बेस माना 100, ठीक है, 100 मैंने इसका बेस माना। 100 बेस मानने के बाद मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि जो गिवन डिजिट्स है उसमें से मैं उस बेस को माइनस करती हूँ। जैसे ही मैंने 97 में से इस 100 को माइनस किया, इस 97 में से मैंने इस 100 को घटाया, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 3। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 96 दिया, 96 दिया हुआ है, इस 96 में से मैं इस 100 को घटाऊंगी, इस 96 में से मैं इस 100 को घटाऊंगी, और इस 96 में से जब मैं 100 को घटाऊंगी तो मुझे यहाँ पे माइनस का 4 मिल जाएगा। आप कहेंगे माइनस का 4, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो आपको जो संख्या आती है वो नेगेटिव आती है, वो माइनस में आती है। इतना काम हो गया, मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है। अब आपका दूसरा काम क्या था, आपका यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 तेरी 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप क्या कीजिए, या तो इन दोनों का योगफल ले लीजिए या आप इन दोनों का योगफल ले लीजिए, बात बराबर होगी। देखिए कैसे बराबर होगी, जब 97 में से मैं प्लस करती हूँ 4 को, ठीक है, तो भी मुझे 93 ही मिलेगा। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, आपका माइनस हो जाता है, क्लियर हो गया। अगर मैं 96 में से आपको माइनस का 3 करती हूँ तो भी आपको 3 ही मिलता है, ठीक है, 93 ही मिलता है, तो इट मीन्स आपके यहाँ पे 93 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो चुका काम। अब एक चीज़ क्या ध्यान रखनी थी, यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, और क्या यहाँ पे भी 2 डिजिट आ रही है, यस, यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट आ रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए अब जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है हम उसको क्वेश्चन को करते हैं, और उस क्वेश्चन को यदि आप कर भी रहे होंगे तो आपको अब शायद 5 सेकंड से कम, 10 सेकंड से कम टाइम भी लग रहा होगा। तो चलिए आप खुद कीजिए उस क्वेश्चन को जल्दी से। सबसे पहला काम क्या होगा कि जब आपको 998 मल्टीप्लाई 999 इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपको जल्दी से जल्दी उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप किस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका सबसे पहला काम होगा, आपका सबसे पहला काम होगा बेस को कंसिडर करना। मैंने बेस मान लिया 1000 बेस माना, मुझे 1000 बेस इसलिए मानना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आपको 3 जीरो दी गई है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, 1000 बेस क्या हो गया, और ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहला काम क्या होता है, मुझे डिजिट्स में से क्या करना होता है, इन डिजिट में से मुझे क्या करना होता है, इस बेस को घटाना होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डिजिट में से बेस को घटाया, 998 में से 998 में से मैं अगर 1000 को घटाऊंगी तो मुझे माइनस का 2 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जैसे ही मैंने से 999 में से मैंने इस बेस 1000 को घटाया तो मुझे माइनस का 1 मिल जाएगा। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया, आपने लाइन खींच ली, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपको लिखना होता है या तो आप इनका योग कर लीजिए, इसका योग कर लीजिए, या फिर आप इसका योग कर लीजिए, दोनों में से आप किसी का भी योग कर लीजिए, दोनों में से आप किसी को भी जोड़ दीजिए। जब मैंने 998 में माइनस का 1 जोड़ा तो मुझे 997 मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस जो होता है वो माइनस हो जाता है। चलिए जैसे ही मैंने से 999 में प्लस किया, किसको, माइनस के 2 को जोड़ा, तो यहाँ पर भी मुझे 997 मिल जाएंगे। ये क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ पर आपके 997 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि 997 कहाँ से आया। यहाँ पर क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपको इन दोनों का गुणा करके लिखना होता है। जैसे ही मैंने माइनस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, मुझे यहाँ पर ये मिल गया। फिर आपने देखा, आपका याद करने का क्या और होता है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो राइट में जो होती है वो उतनी डिजिट होनी चाहिए जितनी यहाँ पे जीरो है। बेस हमने 1000 माना है, बेस हमने 1000 माना है, और जब बेस 1000 माना है तो यहाँ पर आपके 3 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, तो मैं 2 जीरो यहाँ पर लगा दूंगी, तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट मिल जाएगी। आई होप यहाँ पर ये आंसर हो गया और ये क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए तो अभी आपने बेस मेथड से कुछ मल्टीप्लीकेशन को सीखा, अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि 2 डिजिट्स की संख्या को आप किस तरीके से जल्दी गुणा कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ, आपको कहा गया है 23 को आपको मल्टीप्लाई करना है 32 से, ठीक है। क्या कहा गया आपको, 23 को मल्टीप्लाई करें 32 से। आप अगर ओल्डेस्ट मेथड पे जाए तो आपको पता होगा कि आप क्या कर से करते हैं, 23 को लिखते हैं, फिर 32 को लिखते हैं, फिर लाइन खींचते हैं, फिर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, इस टाइप से आप करते हैं। तो चलिए मैं आपको सामने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक ही लाइन में सोल्व कर लेंगे, तो आपको किस
तरीके से करना है। देखिए आप ध्यान से, आपको 23 दिया गया, आपको 32 गया है दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो जो ये जो 10 वाला प्लेस है, इट मीन्स आप सबसे पहले इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। आपका सबसे पहला काम ये होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जब आपको 23 और इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये करेंगे कि आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इससे गुणा करके और इससे इसको गुणा करके और दोनों को जोड़कर और लिख देंगे। ये आपका दूसरी स्टेप हो जाएगी। क्लियर है? क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इन दोनों डिजिट को, जो ये वाली डिजिट है, इन दोनों को आपस में क्या करके, आपस में गुणा करके और यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से कोई कैरी आती है तो वो आगे जुड़ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वज्र गुणा करके, जोड़कर और हम यहाँ बीच में लिख देंगे। चलिए आखिरी स्टेप ये होती है कि जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए तो आखिरी स्टेप आपकी ये बनती है कि आप क्या करेंगे कि लास्ट वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से यहाँ पर गुणा करके और आप यहां पर उसको लिख देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको 3 स्टेप क्लियर हो चुकी होगी। इसकी हेल्प से आप एक लाइन के अंदर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको 23 यहाँ पे लिखना है, 32 यहाँ पे लिखना है, और जो ये मैंने तरीका बताया, आप देखिए मैं कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करती हूँ। चलिए सबसे पहले मैंने आपको कहा है आपको इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। 3 2 जा 6 होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। कंप्लीट हो गया। यहाँ से 6 में किसी भी तरह की कोई कैरी, किसी भी तरह की कोई हासिल नहीं आई है, तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े, आगे मैंने बताया आप दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जोड़ के फिर यहाँ पर लिखना है। आपने क्या किया, सबसे पहले 3 3 3 जा 9 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जब 3 का 3 से करूँगी तो मुझे 9 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 9 और 4 कितने होते हैं। आप कहेंगे कि मैम 9 और 4 तो 13 होते हैं, ठीक है। अब आप 13 मिल गया आपको, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, 13 में से जो ये वाली डिजिट होती है 3, उसको तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और 1 जो है वो हमारा कैरी अलग बच जाएगा, 1 हमारा हासिल अलग बच जाएगा। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या किया, आपका 9 और 4 13 मिल रहा था, 13 में मैं क्या करूंगी, जो इकाई डिजिट वाले, इकाई वाला जो अंक होगा उसको तो मैं यहां पर लिख दूंगी, बट जो यहां पे टेंस वाला जो प्लेस है उसको मैं क्या करूंगी, कैरी में मान लूंगी। यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया आपको लास्ट में कि आपको ये जो ये वाली प्लेस जो है, टेंस वाला प्लेस जो है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ के और यहां पर लिखना है। फिर मैं क्या करूंगी कि यहां तक कंप्लीट हो चुका है, अब मैं क्या करूंगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक और कैरी पहले से है, तो मैं 6 को 1 में जोड़ के फिर यहाँ पर लिख दूंगी। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 736। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 54 जो है, 54 को आपको 62 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने 54 लिखा यहाँ पे और फिर आपने 62 लिख दिया, ठीक है, और ये आपने यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप, मैंने आपको बताया इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही मैं सबसे पहले 4 2 8 करूंगी, ठीक है, तो सबसे पहले 4 2 जा 8 करूंगी तो मुझे 8 यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि अब आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वज्र गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर क्या करना है, जोड़ कर लिखना है, जमा करके, योग करके लिखना है। अब मैंने 5 को सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा। क्लियर है? मैंने 5 दूनी 10 कर दिया और 6 चौक 24 मिल जाएगा, तो 24 और 10 कितने हो गए, 24 और 10 मेरे पास 34 हो गए। यहाँ तक भी क्लियर हो चुका है। अब मैं 34 में से क्या करूँगी, जो इकाई अंक वाला जो है मेरा 4, मैंने उसको 4 को यहाँ पर लिख दिया और मैं 3 को क्या करूँगी, यहाँ पर कैरी में लिख लूँगी। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने थर्ड स्टेप आपको ये बताया कि आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ठीक है। जैसे ही आपने 6 5 30 करा, 6 5 30 किया, तो आप 30 को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी 3 केरी है, है ना, 3 हासिल लगी, तो मैं 30 में क्या करूँगी, 33 को जोड़कर और यहाँ पर 33 लिख दूंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम दो डिजिट्स को आपस में जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस अब देख लेते हैं। चलिए, मैंने आपको कहा 78 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 67 से, तो आप किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आपके भी अब पेन कॉपी चल जानी चाहिए और आपको अब ओल्ड मेथड पे नहीं जाना है। देखिए कैसे करेंगे, आपको 78 को 67 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इकाई अंक को आपस में गुणा करेंगे। जब मैंने 7 2 8 56 होते हैं 7 8 जा, ठीक है, सबसे पहले मेरा काम होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 7 8 जा 56 होते हैं, तो उस 56 में से, ठीक है, उस 56 में से मैंने सिर्फ 6 को यहाँ पे लिखा, ठीक है, और 5 जो है वो मेरा कैरी बच गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरी स्टेप मैंने आपको बताया, दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप में आपको ये करना है, आपको इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपस में वज्र गुणा करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इनका योग करके और आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और कैरी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है ये 7 2 7 49 हो गए, तो ये 49 49 ये हो गए, ठीक है, 6 8 जा 48 ये हो गए, ठीक है, ये तो हो गया। उसके अलावा 5 कैरी बची, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 16 17 17 5 22 का 2 को हाँ से लगी, तो 4 और 2 4 8 10 10 यहाँ पे ये हो जाएगा 102। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर मैं क्या करूँगी, इस 102 में से ये जो डिजिट है हमारी इकाई वाली, इस इकाई वाली 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी और 10 जो है वो मेरा कैरी बच जाएगा। चलिए 10 जो है वो क्या बच जाएगा, मेरा कैरी बच जाएगा। क्लियर है। फिर मैं क्या करूँगी, मेरी लास्ट स्टेप ये कहती है कि आप क्या कीजिए, ये वाली डिजिट आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 7 42 होते हैं, 6 7 जा 42 होते हैं, और जैसे ही फिर मैंने 42 में 10 को जोड़ा, मेरा क्या आ गया, 52 आ गया, तो मैं यहाँ पे 52 लिख दूंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हम दो डिजिट की संख्याओं को जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अब आपको इसी मेथड पे जाना है, यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको इसी टाइप के मेथड्स को करना पड़ेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, अब आप कीजिए। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 78 जो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 64 से। चलिए कीजिए कैसे करेंगे आप, अब आपको कॉपी पेन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे भी कर सकते हैं। आपका पहला काम क्या है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना, इकाई की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। 8 चौक 32 होते हैं, 32 में से मैंने 2 को लिख दिया और 3 यहाँ पे मेरा कैरी बच गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए सेकेंड काम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 4 का जो पहली वाली का दूसरी के साथ और दूसरी वाली का पहली के साथ, ऐसा ही होता है, तो मैं 4 7 28 हो जाएंगे, यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 8 क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 48 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, ठीक है, और ये 3 इसमें कैरी में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 8 और 8 16 16 18 19 का 9 का कैरी लगी 1 4 2 6 और 1 7 79 यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर मैं क्या करूँगी, इस 79 में से 9 को यहाँ पे लिख दूंगी और 7 जो है वो मेरा क्या बच जाएगा, 7 मेरा कैरी बच जाएगा, तो यहां पर 7 जो है वो कैरी बच जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। थर्ड एंड लास्ट स्टेप आपकी क्या कहती है, आपको ये वाले 6 है और 7 को मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है 6 7 कितने होते हैं, 42 होते हैं, 42 होते हैं, फिर 42 में इस कैरी को मैंने ऐड किया तो मुझे 49 मिल गए, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 49। क्या मुझे अब लिखने की भी ज़रूरत पड़ी, और क्या जो आप जिस तरीके से आप ओल्ड मेथड से करते हो 78 मल्टीप्लाई 64, क्या उसको इस इतने कम समय में किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था। क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को और देख लेते हैं ताकि आपको दिमाग में क्लियरिटी हो जाए कि किस तरीके से दो संख्याओं को जल्दी से जल्दी गुणा किया जा सकता है।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको कहा गया है 56 जो है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो जल्दी से बताइए आप कैसे करेंगे। बिना लिखे बिना कॉपी पेन कुछ नहीं करना है, हम करेंगे 2 6 12 होते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 होते हैं, 12 में 2 लिखा और आपको 1 कैरी मिल गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आपको पता पहला वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे इसी टाइप से लिखेंगे आप इसको 56 मल्टीप्लाई 32, तो आप देखेंगे कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, और 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। कैरी जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे 9 और 29 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपने क्या किया, इस 29 में से 9 को तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इस 2 को आपने क्या करा, 2 को आपने कैरी मान के और यहीं पे छोड़ दिया। क्लियर है यहाँ पे। फिर आपने देखा कि 5 3 15 होते हैं, 15 और 2 आपके 17 हो जाएंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1792 इज द आंसर हो जाएगा इन दोनों का। क्लियर है, चलिए। तो इस तरीके से अभी हमने 2 डिजिट को किस तरीके से जल्दी मल्टीप्लाई करना सीखा। अब हम सीखते हैं कि 3 डिजिट्स को आपस में 3 डिजिट से किस तरीके से जल्दी गुणा किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है यहाँ पे 232, ठीक है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 161 से, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आपको जब भी इस तरीके के कोई मल्टीप्लाई दे दिया जाए तो आप किस तरीके से उसको जल्दी कर सकते हैं, आप देखिए बोर्ड पर। आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस तरीके के अगर आपको मल्टीप्लाई करने को दे दिए जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है, जो जैसा कि मैंने 2 डिजिट में किया था, सबसे पहले आप इकाई वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा आपका, इकाई वाली संख्याओं को आपस में गुणा करना हो जाएगा। मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगी और यहां पर लिख दूंगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, जब मेरे को 232 और 161 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं आगे अब क्या करूंगी कि अब मैं क्या करूंगी कि 1 का हो चुका है, अब मैं 2 डिजिट का आपस में गुणा करके और उनको जोड़कर लिख दूंगी। ये मेरा अगला स्टेप हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर गुणा करने के बाद स्टेप हो जाएगी, हम यहाँ पर योग करेंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे 1 डिजिट हो गई, यहाँ पे 2 डिजिट हो गई, कॉमन है कि आगे कितनी डिजिट हो जाएंगी, आगे आपकी क्या हो जाएगी, 2 3 डिजिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, सबको डायगोनली मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और इसको इससे मल्टीप्लाई करके बीच वाली संख्या लिख दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या करूंगी कि 232 आपको गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 161 गिवन है, तो मेरा अगला काम ये होगा कि मैं लास्ट की 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखूंगी और योग करके लिखूंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि 4th स्टेप तक कैसे करेंगे, और लास्ट स्टेप जो है 5th आपकी क्या बन जाएगी। अगर 5th स्टेप आपकी हो जाएगी 232 जो है उसको 161 से अगर आपको गुणा करना है तो मैं लास्ट वाले डिजिट को भी गुणा करके लिख दूंगी। ये 5 आपको स्टेप करनी है और इन 5 स्टेप की हेल्प से आप जो है एक ही लाइन में 3 डिजिट को 3 डिजिट से गुणा कर सकेंगे। आप कैसे कर सकेंगे तो देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले इसी को मैं करती हूँ, ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। 232 गिवन है आपको, आपको उसको 161 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए फर्स्ट स्टेप आपको क्या कही गई है, फर्स्ट स्टेप आपको ये दिख रही होगी, आपको सबसे पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कि आप इस तरीके से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आपको कही गई है कि आपको सबसे पहले इकाई वाली जो संख्या है उसको आपस में गुणा करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 2 2 होते हैं, 1 2 2 होते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे 2 मिल गया। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ये आपकी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आपको क्या कहा गया है कि आपको दो डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर जोड़ कर लिखना है। मैंने इसको ध्यान से देखा, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 1 से होगा और 6 का 2 से होगा। जब मैं 3 को 1 से गुणा करूंगी तो मुझे 3 मिलेगा। ये मुझे कब मिल रहा है, जब मैं 3 को 1 से गुणा कर रही हूं, ठीक है। वैसे ही मैं अब 6 को 2 से गुणा करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है, और 12 और 3 आपको 15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं 15 में से जो मेरा आया है, 15 आए, 115 आए, 215 आए, 1015 कुछ भी आए, आपको हमेशा जो इकाई वाली जो संख्या होती उस 5 को मैं यहाँ पर लिख दूंगी और 1 जो है वो मेरा क्या बच जाएगा, 1 मेरा कैरी बच जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि मैंने सेकेंड स्टेप को कैसे सोल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आप बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, तीन चीजों का आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस टू को इस वन से मल्टीप्लाई करूंगी, इस टू को इस वन से मल्टीप्लाई करूंगी, इस थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी, यही करूंगी। तो चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले टू को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ कि इस टू को वन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये टू मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे 18 मिल जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके 22 मिल जाएंगे, 18 और 2 20 और 20 और 2 22 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। अब मैं 22 को डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि मेरी एक कैरी ऑलरेडी है, तो 22 ये और एक ये 23 हो जाएगा, ठीक है। अब उस 23 जो मेरा आया हो, उस 23 में से मैं 3 को यहाँ लिख दूंगी और 2 मेरा कैरी बच जाएगा, 2 मेरा हासिल बच जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, ठीक है। स्टेप नंबर 4 आप देखिए क्या गिवन है आपको। स्टेप नंबर 4 आपको गिवन है, आप लास्ट की टू डिजिट का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने देखा लास्ट की टू डिजिट कौन कौन सी, 2 को 6 से करना पड़ेगा और 3 को 1 से करना पड़ेगा, क्लियर है। तो चलिए कैसे करते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको 3 हो जाएगा। फिर आप इनका सम कर दीजिए तो आपको 15 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको 15 कैसे आया, मैंने फोर्थ स्टेप को किया, ठीक है। 15 ये हो चुका, क्या मैं 15 को यहाँ पर लिख दूंगी, नहीं मैम आप 15 को नहीं लिखेंगे, अभी जो हासिल है, जो अभी जो कैरी है आप उसको उसमें जोड़िए, 15 और 2 17 हो जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, 17 है, 17 आया तो 17 में जो वोन्स प्लेस है, 17 में जो आपका इकाई का अंक है, उस 17 में से 7 को मैं यहाँ पर लिख दूंगी और मेरे पास एक कैरी अभी भी बच जाएगा। चलिए चार स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप लास्ट स्टेप आपकी क्या गिवन है, फिफ्थ स्टेप आपको गिवन है कि आप लास्ट वाले डिजिट को आपस में गुणा कर दीजिए। लास्ट वाले में अब 2 को 1 से करना पड़ेगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और एक कैरी उसमें जुड़ के 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया 37352। क्या ये कठिन है, अभी कठिन लग रहा है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी अपनी मर्जी से 232 मल्टीप्लाई 562 कुछ भी लेके बैठ जाइए और इसको इन मेथड से करना सीखिए, ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ये जो तरीका है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर आप खुद क्वेश्चन कीजिए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको और दिमाग में क्लियरिटी हो जाएगी। और अब मैं इतना लिखूंगी भी नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। चलिए किस तरीके से करते हैं, देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे 323, ठीक है, और आपको दे दिया यहाँ पे 567, मान लीजिए आपको ये दे दिया, ठीक है, और आपको कहते हैं इसको गुणा कैसे कीजिए। अब आपको कितना टाइम लगेगा इसको करने में, अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। पहला काम बताइए, पहला काम मैम आप ये कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इकाई इकाई आली वाली जो संख्या है उन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। चलिए पहले हम क्या करेंगे कि जो इकाई इकाई वाली संख्या है उनको आपस में गुणा कर लेंगे। जब मैंने 7 दिया 21 होते हैं, 7 3 21 होते हैं, क्या 21 को मैम आप 21 को 21 को ही लिख दोगे, नहीं मैं 21 को नहीं लिखिए मैम। अब आप क्या कीजिए, आप 21 में से जो इकाई वाली संख्या 1 आई है आप उस 1 को यहां पे लिख दीजिए और 2 को कैरी में छोड़ दीजिए। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो चुका। चलिए अब एक जो है एक लाइन कंप्लीट हो गई है, अब क्या करना होगा, अब आपको यह करना होगा, हम आगे चलते हैं, हम आगे चले, हमको इन दोनों को आपस में, हम दो डिजिट को लेंगे, अब इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जोड़ के यहां पर लिखना होता है। चलिए गुणा कर लीजिए, 6 3 18 हो जाएंगे, 7 2 14 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है, और ये कैरी का 2 भी इसमें जुड़ जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8 4 12 12 2 14 14 की हैसियत लगी 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 3 34 हो जाएंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, नहीं मैम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या मैं 34 को यहाँ लिख दूंगी, नहीं आप 34 को मत लिखिए, आप 34 में से जो वोन्स वाली प्लेस है, 34 में से जो इकाई का अंक है 4, आप उस 4 को यहाँ पे लिख दीजिए और 3 को हमारे लिए कैरी में छोड़ दीजिए। चलिए वेरी गुड, 3 को हमने आपके लिए कैरी के लिए छोड़ दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 का काम हो चुका, 2 का काम हो चुका, अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं 3 को लेते हैं। 3 को कैसे लेंगे, 3 को हम ये करेंगे, हम इन दोनों को डायगोनली करेंगे, ठीक
ठीक है, मल्टीप्लाई और आप दो को छह से मल्टीप्लाई, इस तरीके से गुणा करके आपस में जोड़कर आप यहां लिख दीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने इस सात को तीन से किया तो सात या 21 हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए फिर मैंने क्या किया, छह दूनी 12 हो जाएंगे तो मैंने ये 12 कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लास्ट में 5 तेरा 15 हो जाएंगे, 5 तेरा 15 को मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कैरी 3 है तो 3 को भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया। जोड़िए आप कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 का 1 का हासिल लगी 1, फिर 2 3 4 और ये 5 आप 51 आपको इसको जोड़ने पर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए अब आप क्या 51 को यहां का यहां पूरा लिख देंगे? नहीं, हम 51 को नहीं लिखेंगे, हम 51 में से, हम 51 में से हम क्या करेंगे, जो आपकी वोन्स प्लेस वाला जो आपका यूनिट डिजिट है आप उसको लिख दीजिए वहां पे। तो हमने क्या किया, इस 1 को यहां पर लिख दिया और 5 हमारे लिए हासिल, 5 हमारे लिए कैरी बच गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। 3 स्टेप्स हो चुके हैं, चलिए फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप में आपका काम क्या होता है, इसको मिटाइए यहां से, ठीक है। फोर्थ स्टेप आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। चलिए करिए गुणा, कैसे करेंगे, गुणा कीजिए मैम, आप कीजिए। 36 18 होता है तो हम क्या करेंगे, 18 को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए 5 दूनी 10 होता है तो 18 और 10 आपके 28 हो गए, यहाँ तक तो हो गया, और 5 आपका ऑलरेडी कैरी का पड़ा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 33 आपका हो जाएगा यहाँ पे। 33 में से आप अगेन क्या करेंगे, 33 में से आप क्या करेंगे कि जो यूनिट वाली जो आपकी इकाई का अंक है, इकाई के अंक को आप क्या करेंगे, 3 को यहाँ लिख देंगे और 3 आपका क्या कैरी बच जाएगा। चलिए 3 हमारा कैरी बच गया, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 या 15 होते हैं, ठीक है, अब 15 हो गए, अब 15 हम यहाँ पे 15 को नहीं लिखेंगे, हम 15 में अगर कोई कैरी है हमारी, अगर कोई हासिल है 15 और 3 18 हो जाएगा और 18 को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है और इसको समझाने में टाइम लगा है। अब जल्दी से जल्दी ऐसे आज ही आज, आज की आज कम से कम आप ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाइए। दो डिजिट को दो डिजिट से मल्टीप्लाई करना, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना और बेस मेथड वाले को जल्दी से जल्दी आप पक्का कर लीजिए, क्लियर है। चलिए तो आई होप ये मल्टीप्लीकेशन की कुछ ट्रिक्स आपने सीखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। अगर आप इस तरीके की ट्रिक्स चाहते हैं कि मैं और वीडियो अपलोड करूं तो आपको लाइक तो करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। 5-5, 6-6 घंटे में एक वीडियो बना पाती हूं, रेंडर करवाना, उसको अपलोड करना बहुत समय लगता है, ठीक है, और आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो मेरी मेहनत करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं इसी तरीके की ट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन की आज मैंने सोल्व करी और आप चाहते हैं कि मैं किस तरीके से और डिजिट को 12 से गुणा करना, 13 से गुणा करना, 14 से गुणा करना, मतलब मैं 99 तक आपको सिखा दूंगी किस तरीके से गुणाकार किया जा सकता है, प्लस आपके पहाड़े किस तरीके से याद किए जा सकते हैं और रूट्स निकालना, स्क्वायर रूट्स निकालना, क्यूब रूट्स निकालना सब सिखा दूंगी। हर एक डेली भी एक वीडियो आई तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे इन वीडियोस से, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करना, 25 का मल्टीप्लाई करना, क्यूब रूट निकालना सब सिखा दूंगी, बस आपका साथ मुझे जरूरत है। चलिए तब तक के लिए आप बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए और आज जो सिखाया उनके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।